है गुड़िया से धमा, क्यों धमा धमा चल रहा है? और क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जानकारी दे दूं दोस्तों कि कई दिनों से गुड़िया सिंह धमाल काफी वायरल हो रही है। बहुत दूर दूर से मीडिया वाले इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, लगातार बैठ ले रहे हैं, और आप भी जानते होंगे, आप भी इनका वीडियो जरूर देखे होंगे। ये क्यों वायरल हो रही है आपको मैं सबसे पहले बता दूं। इनका जो घर है दरभंगा है, और इसका जो पति है, पति के साथ ये पहले कहाँ रहते थे? दरभंगा जिला। पहले रहते थे दरभंगा जिला, रहते थे दरभंगा जिला, रहते थे। चलिए, काम कहाँ करते थे? हम तो लुधियाना में काम करते थे। लुधियाना में काम करते थे। बता दूं दोस्तों, लुधियाना में ये पूरा विथ फैमिली काम करते थे, और फिर वहाँ से ये लोग घर आते हैं। घर आने के बाद अब क्या होता है, ये लोग अपने पति को छोड़ देती है या इनका पति इनको छोड़ देती है? अभी तक जो भी इनका वीडियो देखे होंगे आप लोग, हमको लग रहा है कि अभी तक जो है सच्चाई बाहर निकलकर नहीं आई है। तो चलिए, मैं सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसा ऐसा सवाल लेके आया हूँ, ऐसा ऐसा न्यूज मैं बाहर निकाल के आया हूँ। आज इनसे सवाल करूँगा, और आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, पूरा इसका आज मैं पोल खोलूँगा। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। DNY न्यूज अगर कहीं जाता है तो पूरा सूत्रों के हवाले से पूरी खबर लेकर जाता है। तो गुड़िया जी, आप क्यों छोड़ दिए पति? आप झूठ बोल रहे हैं। आप लोग लाश, अगर हम छोड़ते हैं तो हम बाल बच्चा को लेके, बच्चा को लेके थोड़ी जाते कहीं। अगर हम उसको छोड़ के जाते तो हम अकेले कहीं चल जाते। अच्छा, ये बताइए, मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दीजिएगा, आप लोग लास्ट जो है लुधियाना से घर कब आए? हम लोग लुधियाना से यहाँ 11 बजे। पति का पैर टूट गया? मेरा पति का पैर टूट गया तो मेरा पति वहीं था, इसीलिए सोचे लांगड़ हो गया। आप उसके साथ रह के क्या करें? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो पैर टूटा, क्यों टूटा सो बात पूछिए कि काहे उसका पैर टूटा। दरभंगा में टूटा? दरभंगा में टूटा। दरभंगा में क्यों टूटा सो पूछिए हमसे। क्यों टूटा बताइए? मेरा घर वाला, जब हम लोग पहले से लुधियाना को लेके गया था, तो मेरा घर वाला वहाँ से चल आए। वहाँ से आने के बाद हम मतलब गाँव घर में रहते थे, तो दारू शराब इतना पीता था, इतना मतलब बेइज्जती करता था, इतना गंदन करता था कि कोई जवाबे नहीं है। फिर मेरे परिवार का लोग बहुत समझाए, तो समझने वाला में से नहीं है। अगर हम किसी के साथ बैठ भी जाए, अगर किसी के साथ बात भी कर लेता, हमको अशब्द अशब्द गाली देता था। अभी भी देख लीजिए दोस्तों, DNY न्यूज जो है सच की आवाज उठाती है, और सच का बात हमेशा करता है। तो मैं जो है ये मत समझिएगा कि गुड़िया का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो गुड़िया का तरफदारी करूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सच है, जो मेरे संज्ञान में आया है, वही बात मैं यहाँ पे करूँगा, और अभी बहुत कुछ खुलासा होने वाला है। बने रहिए आप लोग वीडियो में। बुलाइएगा जरा सा बच्चा लोग, आ जाइए। कौन कौन है? और दोस्तों बता दूं, आप लोग कई वीडियो देखे होंगे, इनका कुल 5 बच्चे हैं। यहाँ आ जाइए, क्या नाम है? सबसे बड़ी है, आपके बाद एक दो बहन और है, उसके बाद एक सॉरी आपके बाद हाँ दो बहन और है, उसके बाद दो भाई है, छोटा छोटा है। आ जाइए, और कहाँ है वो? आइए आइए। तो जितने भी इनके बच्चे हैं, और दोस्तों एक बड़ी जानकारी दे दूं कि 5 बच्चे की माँ, 5 बच्चे की माँ, ये टाइटल जो है काफ़ी वायरल हो रहा है, और ये सच है। आप लोग जरा सा भी सर्च करिएगा YouTube, Facebook, कहीं भी, तो 5 बच्चे की माँ ये टाइटल करके वीडियो तुरंत आ जाएगा, और वो वीडियो यही गुड़िया सिंह धमाल का आएगा। तो क्यों धमाल मचा रहे हैं गुड़िया जी? फिर आपसे हम बोल रहे हैं, हमको दोस्तों जो है क्या बोले, दया आ रहा है। वो दो बच्चा किधर है, उनको बुलाइए, छोटा छोटा, जरा आवाज उधर खेलने चला गया। देख लीजिए, इनका दो लड़की है और दो इतना छोटा छोटा बच्चा है, एक और इनसे छोटी लड़की है, यानी 3 लड़की है, 2 बच्चा है, यानी टोटल 5 बच्चा है इनको गुड़िया जी।
और इसीलिए जो है पांच बच्चे की माँ ये टाइटल करके इनका वीडियो काफ़ी तीन चार रोज पांच रोज से काफ़ी वायरल हो रहा है। और दोस्तों वायरल क्यों हो रहा है, और एक सवाल मैं तमाम मीडिया वाले से भी करना चाहूँगा, जो अभी तक मीडिया वाले आए हैं, बहुत सारे मीडिया वाले आए हैं इसे इंटरव्यू लिए हैं, क्या कुछ मीडिया वाले बहुत इंटरव्यू। अच्छा आप ये बताइए, आप लोग घर आए, पति का पैर टूट गया, फिर आप लोग वहाँ कब जाते हैं दोबारा लुधियाना? हम लोग घर आए, हम लोग घरे थे समझे, मेरा घर वाला वहाँ मेरे नैहर में जाके हमको गाली गलौज किया, मतलब खराब खराब बात बोलता था मेरे कहाँ भैरोपट्टी, तो वहाँ गाली गलौज किया, खराब खराब बात मतलब जिधरे बैठता था उधरे, मतलब जो शब्द गाली होता है तो हम पे मतलब आजकल अक्सर जो है 50% घर में लोग, जब से, और बता दूं दोस्तों बिहार में जब से शराब बंदी हुई है तब से शराब का प्रचलन और ज़्यादा हो गया है, और इसी तरह से घर में गार्जियन लोग जेंट्स लोग जो है शराब पी के आता है, गाली गलौज करता है, तो क्या शराब पी के आएगा गाली गलौज करेगा तो सब छोड़ देता है क्या, छोड़ के चला जाता है? छोड़ के नहीं जाता है, जब हम लोग घर पे गए, मेरा घर वाला वहाँ बदमाशी करता था लुधियाना में, जब हम पहले रहते थे तो बदमाशी करता था, तो वहाँ मेरा प्रधान है, लुधियाना में प्रधान होता है, प्रधान से वहाँ बॉन्ड वुंड बना, काहे तो हम काम करते थे, वो डरा नाशा दारू करके गांव के तरह वहाँ मारपीट हमेशा करता था, वहाँ हम काम करते थे अच्छा से, लेकिन वो इतना नटंकी करता था ना, प्रधान सब परेशान हो गया, अगर हम में गलती होगा तो हम सजा भोगेंगे। अच्छा चलिए, आप लोग अलग कब से हुए ये बताइए, आप अपने पति से, आप अपने बाल बच्चा को लेकर, इधर आ जाओ छोटू, छोटू इधर आ जाओ, देख लीजिए ये दो बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और ये तीन लड़की है, दो अभी यहाँ है एक, और इनके पिताजी के पास एक है, एक को क्यों छोड़ दिए जब सारे बच्चे को ले आए? एक को हम छोड़ नहीं दिए, उसको भी हम ले के आ रहे हैं, लेकिन मेरी सास जो थी नहीं लाने दी, खींच के ले ली और नहीं लाने दी, तो हम लोग को भगा दिया, तो हम लोग की बच्चा सबके लेके, इसको भी गाली दिया, इसको थोड़ा छलनी फेंक के मारा ना, इसको थोड़ा कट गया था, तो ये लोग को भगा दिया, पूछिए हमारी लड़की लोग के, तब हम बच्चा को लेके चला, चार बच्चा अपनी बहन के पास गए, वहाँ बहन के पास गए हम, तब वहाँ से हम लुधियाना गए, उसके बाद फिर दोबारा लुधियाना गए, जब इनके पिताजी का पैर टूट गया वो घर पे ही, उसका पैर तो घर पे ही टूटा, जब हम लोग बाहर से सबसे पहले वहाँ से आए तो वो गाली गलौज मेरे नैहर में किया, तो मेरा भाई उसका पैर तोड़ दिया, इसीलिए तोड़ दिया कि बोला जब वो हमारी बहन घर सब दिन से कमा के खुद खाती है, अभी तक जो है वो आप लोगों को अपनाने के लिए, आप लोगों को रखने के लिए तैयार है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम उनको कभी भी नहीं भगाए हैं घर से, वो लोग खुद छोड़ के चले गए, यहाँ तक कि कॉल रिकॉर्डिंग में पड़ोसी से भी बात होती है रिपोर्टर का, और पड़ोसी भी वही चीज बोल रहा है, पड़ोसी से बात होता है, हमको ले चलिए मेरे ससुराल, पड़ोसी सब जो भी खून सतुआ लगाता है, जब हमको मारता था ना तो कोई कहता नहीं था, कोई जाता नहीं था, एक ही फैक्ट्री में काम जी, हम एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं हमारे तमाम यहाँ मीडिया कर्मी हैं, अरुण जी बोल देंगे कि आप बहुत अच्छी लगती हो गुड़िया जी, तो क्या अरुण जी से आप प्यार करने लगी? एक बात सुनिए ना, अभी जितना मीडिया वाले लोग आते हैं, बहुत आदमी आते हैं, तो हम सबको कहाँ कहते कि मेरा पति है? देखिए बुरा नहीं मानिएगा, मैं सवाल कर रहा हूँ सीधा तौर पे, इसलिए सवाल कर रहा हूँ ताकि जितने भी दर्शक हैं, अभी तक एक भी सच बाहर नहीं आया है, और मैं चाहता हूँ कि एक एक सच बाहर आए,
क्योंकि काफ़ी वायरल हो रहे हैं, आप 3-4-5 रोज से काफ़ी वायरल हो रहे हैं। तो ये जो आपका क्या सुनील मंडल नाम बताए ना, नीतीश मंडल, सॉरी नीतीश मंडल, चलिए वो बोला बहुत अच्छे लगते हैं आप, हमको प्यार करते हैं आपसे, तो चलिए ठीक है उनसे आप जो है प्यार मोहब्बत करने लगे, फिर शादी भी हो जाती है। हालांकि आपके पास शादी का कोई अभी तक सबूत नहीं है, इसीलिए आपको शायद न्याय भी नहीं मिला है। अगर सबूत रहता शादी का तो जरूर न्याय मिल गया रहता। मेडिकल जांच करवाइए ना, इससे बड़का कौन सबूत है, वो जो भाई बहन का रिश्ता बनाया है, मेडिकल जांच करवाइए ना सबूत, आप लोग करवाइए, आप लोग कार्रवाई कीजिए। अब उसको पकड़ के ले गया एक दिन के लिए, भाई उसको प्रशासन छोड़ा, जब हम बहन हैं पहले हमको वो नहीं चिन्हा भैया, आप ही लोग बताए पहले वो हमको नहीं चिन्हा, एक बार बोला प्रशासन को नहीं चिन्हते, फिर बोलता पहले पहले एफ आई आर दिए, कहाँ आवेदन किए, कहाँ पे आवेदन दिए पहले हम गए यहाँ महिला थाना अररिया, महिला थाना गए, फिर वहाँ से हम पूसा कटा गए, पूसा कटा से एसपी के पास गए, डीएसपी के पास गए, इंस्पेक्टर का हम हर जगह गए, पूसा कटा थाना में कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई एक्शन। देखिए सवाल बहुत बड़ी खड़ी होती है प्रशासन के ऊपर भी, क्योंकि प्रशासन अगर सुनील मंडल को गिरफ्तार की, नीतीश मंडल सॉरी प्रशासन अगर नीतीश मंडल को गिरफ्तार की तो फिर क्यों छोड़ दी दूसरे ही दिन, ये बहुत बड़ी सवाल है। अररिया की प्रशासन अगर नीतीश मंडल को गिरफ्तार करती है तो उसका जांच करती, उसका अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती, क्या ये गुड़िया देवी गलत बोल रही है या उसको पूछताछ के लिए लाया गया, पूछताछ के लिए, पूछताछ के लिए वारंट के जो है किसी इंसान को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, कोई भी प्रशासन को पूछताछ के लिए जो है आदेश लाया गया, उसको तो हम पहले भी कागज दिए हुए थे, एफआईआर तो हुआ है ना, पहले भी कागज दिए थे, वो डस्टबिन में रखा हुआ है। अच्छा आप ये बताइए, सुनिए आप ये बताइए, एफआईआर आप आवेदन दिए, एफआईआर कंफर्म रजिस्टर हुआ है।